तो आज 11 बजे शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और बंसल न्यूज के पास संभावित नामों की सूची है। आइए आपको सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आखिर कौन कौन मंत्री बनना जिनका लगभग तय है, जिनके लगभग चांसेस हैं। नाम डाले अगर हम सबसे पहले स्क्रीन पर देखें तो इंदर सिंह परमार, रामकिशोर कावरे का नाम तय है लगभग। इधर गिरीश गौतम या फिर केदार शुक्ला में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। इधर उषा ठाकुर या रमेश मेंदोला, इंदौर से दोनों विधायक आते हैं बीजेपी के, दोनों में से किसी एक को मंत्री पद मिल सकता है। इधर यशोधरा राजे सिंधिया, विजय शाह, विश्वास सारंग, मोहन यादव, ये तमाम वो नाम हैं जो अंदर कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अरविंद भदौरिया, प्रभुराम चौधरी का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, हरदीप सिंह डंग, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, बिसाहूलाल सिंह, इंदल सिंह कंसाना, भारत सिंह कुशवा, नंदिनी मरावी का नाम भी लगभग तय है। ये सभी नाम जल्द ही आपको अब शिवराज मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, सिंधिया समर्थकों की हम बात करें, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनके पास फोन कॉल भी पहुंचा है रात को बंसल न्यूज के पास, ये सूत्रों से जानकारी है। इमरती देवी जो पहले मंत्री रह चुकी है, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इनके पास भी फोन पहुंचा है। और इसके अलावा प्रभुराम चौधरी जो पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं तत्काल कमलनाथ सरकार के वक्त। और इसके अलावा हम बात करें राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की, इनके पास भी फोन पहुंचा है और लगभग इनका भी मंत्री बनना आता है। इधर इंदल सिंह कंसाना, और इंदल सिंह कंसाना के अलावा एक और नाम है हरदीप सिंह डंग का, और हरदीप सिंह डंग के अलावा एक और नाम है सिंधिया समर्थकों में रणवीर जाटव, इनका भी तय माना जा रहा है लगभग, इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, और बिसाहूलाल सिंह। और इधर देखिए, बीजेपी के तरफ से हम बात करें, शिवराज की पुरानी टीम के मेंबर रह चुके हैं गोपाल भार्गव, तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त विपक्ष के नेता थे। भूपेंद्र सिंह शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी हैं, पूर्व में गृहमंत्री रह चुके हैं। जगदीश देवड़ा बीजेपी के विधायक, लगभग इनका भी मंत्री बनना तय है। इसके अलावा बात करें यशोधरा राजे सिंधिया की, ज्योतिरादित्य की बुआ है और पहले मंत्री भी रह चुकी है। इसके अलावा विश्वास सारंग पहले भी मंत्री रह चुके हैं, शिवराज के करीबी हैं, विश्वास सारंग को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इधर अरविंद भदौरिया कमलनाथ सरकार को और बीजेपी लोटस में इनकी काफी अहम भूमिका थी, शिवराज के करीबी हैं। रमेश मेंदोला कैलाश विजयवर्गीय के करीबी हैं, इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2 से विधायक हैं फिलहाल, लंबे अंतर से हर बार जीत के रिकॉर्ड कायम करते हैं। केदार शुक्ला की बात करें तो देखिए, केदारनाथ शुक्ला, इनका भी नाम तय माना जा रहा है। इधर विजय शाह, हालांकि विजय शाह लगभग तो तय है लेकिन कुछ का मानना है कि संशय बरकरार है। और इधर इंदर सिंह परमार, इनका भी नाम जो है लगभग तय माना जा रहा है, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। रामकिशोर कावरे, ये जरूर मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं, इनका भी मंत्री बनना तय है। तो ये तमाम बीजेपी की तरफ से वो हमने आपको नाम बताए हैं जो संभावित मंत्रिमंडल में आपको जल्द ही 4 घंटे बाद जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें दिख सकते हैं। चलिए फिलहाल हम रुक करेंगे इस खबर पर, ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ विजय मांडगे सीधा जुड़ रहे हैं। विजय, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब करीब 100 दिन बाद आज मोच जो मस्ट अवेटेड था, बहुप्रतीक्षित इवेंट था, मंत्रिमंडल का आखिरकार विस्तार होने जा रहा है और नाम भी लगभग कुछ तो ऐसे हैं जो अब तय माने जा रहे हैं जो शामिल होने वाले मंत्रिमंडल में। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए दीपक, मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा ही और सब कुछ साफ है स्थिति की। 11 बजे राज्यपाल जो है वो शपथ दिलाएंगी। नामों को लेकर जरूर सस्पेंस है। नाम जो अभी जो बताए गए हैं वो है, कुछ और नए नाम हो सकते हैं, इनमें से ही कुछ नाम कट सकते हैं। दरअसल क्या है कि नाम ही जो है वो उसे लेकर इतनी मशक्कत हुई है बीजेपी में, खासतौर पर बीजेपी खेमे में। सिंधिया खेमे के नामों में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से जो नाम बताए गए थे वो तमाम सारे लोग और जिन्हें बीजेपी आश्वासन दे चुकी थी उन सभी लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। खासतौर पर बीजेपी खेमे से नामों को लेकर बहुत मारामारी है और कई वरिष्ठ नेता जो हैं, जो पिछली सरकार में, शिवराज की पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, शायद हमें वो नजर न आए इसमें, इस
कैबिनेट विस्तार में और कुछ नए चेहरे नजर आए, उनमें से कुछ नजर आ सकते हैं। तो ये जो तमाम सारे समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने नाम तय किए हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे कल सीएम हाउस पहुंचे थे, वीडी शर्मा, सुहास भगत भी साथ में थे और काफी लंबी बैठक हुई है सभी के बीच में। और एक्चुअली ये एक फॉर्मूला लेकर ही आए थे केंद्र का, जिसमें ये साफ था कि नाम जो है जिन्हें शामिल किया जा रहा है उनको सूचित किया जाए और जिन जिनके नाम काटे जा रहे हैं उन्हें समझाइश दी जाए कि किस तरह से ये बनाया गया है बैलेंस, और ताकि क्या बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है दीपक जी, क्योंकि उपचुनाव है और उसके उसमें यदि बीजेपी को नुकसान पहुंचता है इस मंत्रिमंडल विस्तार की वजह से तो बहुत एक राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसान होगा यदि इनमें से कोई भी असंतुष्ट होकर यदि चुनाव में बीजेपी के खिलाफ काम करता है। तो ये सबको समझाइश भी देना बहुत जरूरी है। तो बीजेपी अब पूरी तरह से, अब ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आप देखिएगा कि यदि कहीं कोई असंतोष है तो डैमेज कंट्रोल की कवायद में पूरी तरह से जुट जाएगी। और बीजेपी को यकीन है कि चूंकि वो पार्टी संगठन आधारित है इसीलिए सब कुछ ठीक होगा, लेकिन यही है कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसमें कौन शामिल होता है और किसके नाम छूट जाते हैं उसके बाद फिर तय होगा और वो कुछ जल्द ही कुछ 3 से 4 घंटे में हमारे सामने होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने विजय, बीजेपी के लिए जरूर ये चैलेंजिंग भी रहा। फिलहाल देखना होगा कि अब 11 बजे किन किन नामों पर आखिरकार वो सहमति जो बनी है वो मंत्री बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए सिंधिया समर्थकों की हम बात करें तो उनके नाम तो पूरे तय हैं, किसी तरह की संशय की या गफलत की स्थिति नहीं है। फिर चाहे वो प्रभुराम चौधरी हो, इमरती देवी हो, महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, प्रद्युमन सिंह तोमर हो, इंदल सिंह कंसाना हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से जरूर एन वक्त तक, देर रात तक कल संशय की स्थिति बनी रही। कई सीनियर विधायकों को जो है बाहर रख सकते हैं मंत्रिमंडल से, लेकिन उन्हें संगठन में एडजस्ट किया जाएगा।